नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं तमिलनाडु की एंटी करप्शन और विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को घुस लेते हुए ईडी के अधिकारी को अरेस्ट किया है। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक ईडी अधिकारी ने एक सरकारी डॉक्टर को पुराने मामले में डरा धमका कर 51 लाख रुपए घूस मांगी। डॉक्टर ने घूस की पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपए दे दिए। बाद में आरोपी ने डॉक्टर को बताया कि उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस से आदेश मिले हैं। पकड़े गए ईडी अधिकारी की पहचान अंकित तिवारी के रूप में हुई है। एंटी करप्शन और विजिलेंस टीम के मुताबिक अंकित तिवारी मदुरे ईडी ऑफिस में पोस्टेड हैं। 29 अक्टूबर को अंकित ने डिंडीगुल के एक सरकारी डॉक्टर से संपर्क किया और बताया कि उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है, जबकि वो मामला पहले ही निपटाया जा चुका है। अंकित ने डॉक्टर को डराते हुए ये भी बोला था कि इस मामले में ईडी को पीएम ऑफिस से जाँच के आदेश मिले हैं। इसके बाद उस डॉक्टर को 30 अक्टूबर को मदुरै स्थित ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा। अंकित की बात सुनकर डॉक्टर काफी डर गए। वह अगले दिन ईडी ऑफिस पहुंचे तो अंकित तिवारी डॉक्टर की कार के अंदर घुस गया और बोला कि उसे मामले में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए 3 करोड़ रुपए देने होंगे, जिसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। इसके बाद अंकित ने डॉक्टर को बताया कि उसने अपने सीनियर से बात की है, वे रिश्वत के रूप में 51 लाख रुपये लेने के लिए सहमत हुए हैं। 1 नवम्बर को डॉक्टर ने अंकित को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 20 लाख रुपए दिए। 20 लाख रुपए लेने के बाद अंकित लगातार डॉक्टर को फ़ोन और मैसेज करके डराता रहा कि उसे पूरे 51 लाख रुपए जल्द देने होंगे, नहीं तो बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। इस बीच डॉक्टर को अंकित की गतिविधियों पर शक हुआ। उसने 30 नवंबर को डिंडीगुल के एंटी करप्शन और विजिलेंस टीम के ऑफिस में इसकी शिकायत की। 1 नवंबर की सुबह एंटी करप्शन अधिकारियों ने अंकित तिवारी को शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के बाद पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सुबह 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित को 15 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।